भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी झूठ परोसने की कोशिश करें, हम लोग उनके झूठ का तथ्यों के आधार पर पर्दाफाश करेंगे, बिहार की जनता के सामने सच्चाई रखेंगे। बिहार की जनता आज पूछ रही है अमित शाह जी से, पूर्णिया आए थे, कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो चुका है, ताली भी बजा, ताली तो भाई बोल के बजवाना पड़ रहा था। ऐसे कौन से नेता हैं जिनको खुद आग्रह करना पड़ता है जनता से, श्रोताओं से, कि भाई हमारे भाषण में आप अपना समर्थन दीजिए। लोग अपने घर आ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट से टिकट कटवाना चाहते हैं, दशहरे में, दिवाली में, छठ में, अमित शाह जी उनके टिकट का प्रबंध कराइए। पूरे देश की जनता को पता है कि केंद्र की सरकार की तरफ से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए क्या किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार नहीं हो पाया है, बिहटा एयरपोर्ट के लिए जबकि जमीन अधिग्रहित करके दे दी गई है, उसके बावजूद काम नहीं किया गया है। तो ये लोग तो झूठ परोसने में माहिर है ना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शरांग पांडे है। देश के गृह मंत्री अमित शाह फिर बिहार दौरे पर हैं, आने वाले हैं, और इसके पहले पूर्णिया और किशनगंज आकर गए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट का उन्होंने निर्माण तक करा दिया, ताली तक बजवा दिया, उसको लेकर जेडीयू ने भी कटाक्ष किया था। अभी जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक झा से बात करेंगे। अमित शाह फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं, एक बार तो उन्होंने आकर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा दिया, अब क्या होगा? देखिए, अमित शाह जी फिर बिहार आ रहे हैं, और हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि फिर उनकी मंशा वही होगी कि बिहार में वो झूठे वादे करें, झूठ का पुलिंदा बिहार की जनता के सामने खोलें, और सोचे कि बिहार की जनता उनके जुमलों में आ जाएगी। लेकिन एक बात तय है अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी झूठ परोसने की कोशिश करें, हम लोग उनके झूठ का तथ्यों के आधार पर पर्दाफाश करेंगे, बिहार की जनता के सामने सच्चाई रखेंगे। बिहार की जनता आज पूछ रही है अमित शाह जी से, पूर्णिया आए थे, कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो चुका है, ताली भी बजा, ताली तो भाई बोल के बजवाना पड़ रहा था, अरे बजाओ ताली, कहना पड़ रहा था, हाँ या ना, समर्थन दीजिए, जयकारा लगाइए। अरे ऐसे कौन से नेता हैं जिनको खुद आग्रह करना पड़ता है जनता से, श्रोताओं से, कि भाई हमारे भाषण में आप अपना समर्थन दीजिए। लोग खोज रहे हैं उनको, लोग अपने घर आ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट से टिकट कटवाना चाहते हैं, दशहरे में, दिवाली में, छठ में, अमित शाह जी उनके टिकट का प्रबंध कराइए। आपको नहीं पता था क्या कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, आप तो सत्ता में हैं। पूरे देश की जनता को पता है कि केंद्र की सरकार की तरफ से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए क्या किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार नहीं हो पाया है आज तक, बिहटा एयरपोर्ट के लिए जबकि जमीन अधिग्रहित करके दे दी गई है, उसके बावजूद काम नहीं किया गया है। तो ये लोग तो झूठ परोसने में माहिर है ना, कुछ से कुछ कह देते हैं, सोचते हैं जनता इनके मुगालते में आ जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं। इस बार आएंगे तो क्या लगता है कुछ बिहार को मिलेगा? ये लोग कभी बिहार के हक और हुकूक की बात नहीं करते, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं करते। अमित शाह जी देश के गृहमंत्री हैं, गृहमंत्री एक अहम ओहदा होता है। बिहार की जनता चाहती थी कि जब गृहमंत्री आए तो बिहार के हक की बात करें, बिहार के पिछड़ेपन पे कहें, बिहार के विकास के लिए बातें करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, बेरोजगारी पर बोलें, महंगाई पर बोलें, लेकिन इन मुद्दों पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ राजनीतिक बातें की, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। ये फिर वही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो अमित शाह से बिहार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? पिछली बार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, उल्टा ये नुकसान करने का मानदा रखते हैं। ये कोशिश करते हैं कि कैसे इनके भाषणों के माध्यम से, इनके कृत्यों के माध्यम से कैसे बिहार में माहौल ख़राब हो सके। इन लोगों की प्राथमिकता ही कुछ और है, मुद्दों से ध्यान भटकाना, जनता को बरगलाना और तब किसी तरह वोट इकट्ठा करना। तो बिल्कुल नहीं सही। देखिए, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और अमित शाह के दौरे पर इन्होंने कहा कि फिर आएंगे और फिर वही कहेंगे जिस तरीके से पूर्णिया में एयरपोर्ट इन्होंने बनवाया, और फिर वही राग बिलापेंगे कि अब हम यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिए, वहाँ एयरपोर्ट बना दिए। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें।